दीक्षित की हम बात कर रहे हैं हमारे इस रिपोर्ट में। आप तो जानते ही हैं माधुरी दीक्षित एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी दीवाने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है तमाम। करोड़ों करोड़ों दिलों को अपना बनाने वाली माधुरी 54 साल की, जो कि साल 1999 में श्री राम माधव नेने की पत्नी बनी और इसके बाद माधुरी की जिंदगी में काफी बदलाव आया। खैर माधुरी के एक इंटरव्यू की बात करेंगे जिसमें उन्होंने बताया अपनी फैमिली के बारे में, हस्बैंड के बारे में। पहली बात तो आपको बता दें, उनके हस्बैंड इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे कि माधुरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इतनी बड़ी वो एक्ट्रेस है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सफलता हासिल की। लेकिन इसके बाद जब उन्हें पता चला तो भी वो नॉर्मल रहे उनके साथ। इसी बात ने माधुरी दीक्षित का भी दिल जीता है। खैर यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में आज आप सबको ये बताना चाहेंगे कि शायद आप सबको इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कैसे सुबह 5:30 उठती थी वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अपने हस्बैंड के लिए बनाने के लिए। और तो और उन्होंने काफ़ी कुछ और भी चेंजेस अपनी ज़िंदगी में किया अपने हस्बैंड के आने के बाद, और US में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव झेले। नॉर्मली वो ग्रॉसरी स्टोर्स में आम लोगों की तरह जाती थी, मार्केटिंग करती थी। ग्रॉसरी स्टोर में माधुरी दीक्षित को आम लोगों की तरह लाइफ एंजॉय करते हुए देख काफ़ी लोग हैरान भी हो जाते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि बॉलीवुड की वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है वो। जी हाँ, अपने इंडिपेंडेंट लाइफ के बारे में उन्होंने कहा था कि मेरा हार्ट बहुत खुश था, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी क्योंकि ये मेरे खुद के फैसले थे, अपने आप के लिए थे। मैं अपने आप की ज़िंदगी जी रही थी, मेरी खुद की ज़िंदगी, मैं किसी और के लिए नहीं खुद के जी रही थी, किसी और के हिसाब से नहीं जी रही थी। मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, मैं उस आज़ादी को कभी नहीं भूल सकती। यहाँ पर लोग नौकरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, इंडिया में लोग नौकरों पर डिपेंडेंट होते हैं, हर चीज़ उन पर छोड़ देना होता है। लेकिन USA में खुद से खाना बनाना, खुद से साफ करना, गाड़ी साफ करना, बर्तन धोना, खुद से ग्रॉसरीज लेकर आना, खुद से ही सब कुछ करना, ग्रॉसरी शॉप में जाना, सब कुछ बहुत अलग था। घर के बर्तन धोने से लेकर गाड़ी साफ करने तक नौकरों पर वो डिपेंडेंट नहीं थी। घर में नौकरों वाले सारे काम माधुरी दीक्षित खुद करती थी क्योंकि ये उनकी खुद की चॉइस थी। ऐसे में माधुरी दीक्षित ने ये बात तो बताई, उसके अलावा उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश थी कि उनकी फैमिली ने उन्हें हर तरह से एक्सेप्ट किया, सपोर्ट भी किया। और गुलाब गैंग फिल्म के बारे में उन्होंने कहा, इस फिल्म में एक सीन था जब उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया था और एक डायलॉग बोला था, उनके बच्चों ने ये देखकर काफ़ी ज़्यादा उनको टीज़ किया था कि मैं इस तरह के घर में बिहेव करती हूँ। बच्चों के व्यवहार पर उन्होंने कहा कि गुलाब गैंग का सीन है ये, माय किड्स वेर इनिशिएटिंग फॉर सो लॉन्ग आफ्टर दैट, इन शॉर्ट दिस इज़ हाउ आई एम ट्रीटेड बाय एट माय होम, यानी कि बहुत ज़्यादा मुझे टीज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइम यूज़ से रिपोर्ट।